कब करता है यार? देखो वैसे तो ट्रांजिस्टर के जो है अलग अलग कनेक्शन है, सैचुरेशन मोड, कट ऑफ मोड, ठीक है, एक्टिव रीजन ये। लेकिन जब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं, जब हम जनरल बातें करते हैं, तो हम एक्टिव रीजन की बात करते हैं। तो एक्टिव रीजन की जब बात करेंगे तो एनपीएन ट्रांजिस्टर कंडक्ट तभी करेगा जब वो एक्टिव रीजन में काम करेगा। तो एक्टिव रीजन में कैसे कनेक्शन देते हैं? एक्टिव रीजन में कनेक्शन ये है ट्रांजिस्टर का कि ये जो इमीटर है और ये जो बेस है, ये जो कलेक्टर है, इमीटर बेस को हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। तो ये मान लो एन पी एन लिए हैं, तो फॉरवर्ड बायस में तो ये निगेटिव है तो इसको प्लस से कनेक्ट करेंगे, और ये पॉजिटिव तो इसको निगेटिव से कनेक्ट करेंगे, और जो कलेक्टर और बेस है तो इसको रिवर्स बायस में रखते हैं तो निगेटिव तो इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, और ये वाली चीज़ तो कुछ ऐसा। तो ये वाली जो चीज़ है ये थोड़ा हायर वोल्टेज होता है, ठीक है। तो ये जो है ये एक्टिव रीजन होता है, एक्टिव रीजन, इस टाइप के कनेक्शन को एक्टिव रीजन बोलते हैं। 99% ट्रांजिस्टर इसी रीजन में कनेक्ट होता है और इसी रीजन में हम लोग इसे काम लेते हैं। तो कलेक्टर, अब देखो यहाँ से इमीटर और बेस बोथ कलेक्टर एंड इमीटर पॉजिटिव, ये तो बिल्कुल गलत बात है। कलेक्टर इज पॉजिटिव एंड इमीटर इज निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द बेस। कलेक्टर इज पॉजिटिव एंड इमीटर इज निगेटिव। कलेक्टर इज पॉजिटिव एंड इमीटर इज सेम पोटेंशियल है। कलेक्टर इज पॉजिटिव एंड इमीटर इज निगेटिव, ये फॉरवर्ड बायस है ना यार, तो ये निगेटिव है, एनपीएन है ना, एनपीएन है, निगेटिव है, तो फॉरवर्ड बायस में तो ये यहाँ से गलत कनेक्शन कर दिया हूँ, क्या कर दिया हूँ, यहाँ कनेक्शन मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। प्यारे बच्चों दो माफ़ कर देना, यहाँ से ये निगेटिव है तो ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो ये अब ये बी ऑप्शन सही, कलेक्टर पॉजिटिव और इमीटर निगेटिव रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू बेस, बाकी सारे गलत है, ठीक है। कथा ट्रू टेबल।